हेलो एवरीवन, vidonko.com वेबसाइटे तुम्हारे सबाई के स्वागत। आमी सौरव दे, तुम्हारे गणित शिक्षक। द्विघात समीकरण एक प्रश्न निये तुम्हारे साथे आलोचना करब। प्रश्नटी हलो, समाधान ना करे पी एर जे सकल मानेर जन्नो एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस पी इक्वल टू जिरो समीकरण वास्तव और समान बीज आछे ता निर्णय करते हबे। तो देखो, एक द्विघात समीकरण साधारण जो रूपटा है से हलो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जिरो, जेखने ए नॉट इक्वल टू जिरो। एटा हलो द्विघात समीकरण एक साधारण रूप। तो ये द्विघात समीकरण दुटी बीज थाकबे एवं से बीजगुली वास्तव समान हबे जदि आमरा ए द्विघात समीकरण निरूपक बा जाके बला है डिसक्रिमिनेंट, निरूपक डिसक्रिमिनेंट आमरा सेटाके लिखी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ए दिए। तो समीकरण बीजगुली वास्तव समान हबे जदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मान शून्य हो जाए। तो एखाने आमादेर जे प्रश्न अनुजाई आमादेर समीकरणटा छिलो एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस पी इक्वल टू जिरो। एखन आमरा जदि ओई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और संगे ये समीकरण तुलना करी आमरा देखते पाबो आमादेर ये समीकरण क्षेत्र एर मान होबे एक, बी एर मान होबे पी माइनस थ्री एवं सी एर मान होबे पी। ताहले आमरा ये समीकरण जे निरूपक होबे सेटा की होबे बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माने पी माइनस थ्री एर स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए तो आमादेर एक एवं सीर मान पी, अर्थात आमादेर निरूपक हलो पी माइनस थ्री एर होल स्क्वायर माइनस फोर पी। तो आमरा एके जदि आरेकटू सिम्प्लीफाई करी एखान थेके आमरा सूत्रे भांगले आसबे पी स्क्वायर माइनस सिक्स पी प्लस नाइन एवं एखान थेके आसबे माइनस फोर पी। ताहले आमादेर निरूपकटा आमरा जेटा पाच्छी पी स्क्वायर माइनस टेन पी प्लस नाइन। एबारे आमरा जानी बीजगुली समान और वास्तव हार जो निरूपक के शून्य होते हबे, अर्थात पी स्क्वायर माइनस टेन पी प्लस नाइन एटाके शून्य होते हबे। तो आमरा एटाके मिडिल टर्म फैक्टराइजेशनेर माध्यमे उत्पादके विश्लेषण करब एवं तारपरे आमरा पी एर दुटी मान पाब। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भांगते आमरा एई टेन के माइनस नाइन पी माइनस पी आकार भेगे नहीं उत्पादक विश्लेषण करा जाए। एखन थे प्रथम दुटो टर्म थे पी कमन गेले पी माइनस नाइन और सेकेंड दुटो टर्म थे माइनस वन कमन नहीं निले आसपे पी माइनस नाइन। ताहले आमरा दीघा जो उत्पादक विश्लेषण पर आसबे पी माइनस नाइन इंटू पी माइनस वन इक्वल टू जिरो। এবারে দুটো রাশির গুণফল যখন শূন্য হয় তখন তাদের মধ্যে একটি রাশি অবশ্যই শূন্য হয়। তাহলে আমরা বলতে পারি হয় পি মাইনাস নাইন সমান শূন্য অথবা পি মাইনাস ওয়ান সমান শূন্য। তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, পি মাইনাস নাইন যদি শূন্য হয় তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি পির মান হবে নয়। একইভাবে পি মাইনাস ওয়ানের মান শূন্য হলে আমরা দেখতে পাবো পির মান হবে এক, অর্থাৎ পি এর মান যদি এক অথবা নয় হয় তাহলে আমরা ওই সমীকরণটির যে বীজগুলি পাবো তারা বাস্তব এবং সমান হবে। তাহলে আমাদের পি এর নির্ণয় মানগুলি হলো এক এবং নয়। vidonko.com ওয়েবসাইটে এই অঙ্কটি দেখার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এরকমই আরও অঙ্ক এবং তার সমাধানের জন্য আমাদের ওয়েবসাইটটি ফলো করো। ধন্যবাদ।